फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही सिंपल सी रेसिपी आटे के हलवे की। तो सिर्फ दो तीन इंग्रेडिएंट से ही बन जाता है बिल्कुल आसानी से आटे का हलवा। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं रेसिपी आटे के हलवे की। यहाँ पे मैंने 1 कप आटा लिया है और 1 कप प्योर घी ले लिया है और 2 कप मैंने लिया है शुगर और कुछ ड्राई फ्रूट्स ले लिया है। यहाँ पे जो आटा है इसको मैंने ऑलरेडी रोस्ट करके रख लिया था। आटे को मैंने पहले रोस्ट इसलिए कर लिया है क्योंकि इससे हलवे जो है दानेदार बनते हैं, लाई जैसे नहीं बनते। और ये सिंपल गेहूं का आटा है, तो आप चाहो तो मोटा आटा भी यूज़ कर सकते हो। ये मैंने पैकेट वाला आटा यूज़ किया है। यहाँ पे एक पैन ले लिया है मैंने, इसमें मैं आटे को ड्राई रोस्ट करूँगी। तो बस इसे बहुत ही हल्का सा ड्राई रोस्ट करना है, बस इसका हल्का सा कलर चेंज होगा और मैं इसे निकाल लूँगी। रोस्ट करने से हलवा जो है थोड़ा दानेदार सा बनता है, लाइट टाइप नहीं बनता है। तो ये मैंने इसे ड्राई रोस्ट कर लिया है। ये हमारा डन हो गया है, हल्का सा रोस्ट हो गया है ये, तो मैं इसे निकाल लूंगी। ज्यादा रोस्ट नहीं करना है, जैसे ही हल्का सा कलर चेंज करने लगे हमें इसे निकाल लेना है। अब इसी पैन में घी डालकर मैं ड्राई फ्रूट को रोस्ट कर लूंगी। यहाँ पे ड्राई फ्रूट हमारे रोस्ट हो गए, तो यहाँ पे मैंने लिया था थोड़े से बादाम है, थोड़ा काजू है और थोड़ा सा मखाना भी लिया है मैंने इसमें क्रश करके। तो ये हमारा रोस्ट हो गया है। अब इसमें मैं बाकी बचे हुए जो घी थे हमने डाल दिया है और अब मैं इसमें रोस्टेड आटा जो हमने रोस्ट करके अलग कर लिया था इसे डालूंगी और इसे बिल्कुल स्लो फ्लेम पे ही पकाना है। और इसे जल्दी से, ये देखो आप, बस 1 से 2 मिनट और लगेंगे और आपका हलवा रेडी हो जाएगा। तो थोड़ा सा घी में मैंने इसको हल्का सा रोस्ट किया और फिर इसमें मैंने ऐड कर दिया है वाटर। तो वाटर इसमें मैंने ऐड किया है बिल्कुल डबल, यानी मैंने 1 कप आटा लिया था तो इसमें मैं वाटर ऐड कर रही हूँ 2 कप। उसे अच्छे से मिक्स कर लेना है जल्दी से, फ्लेम हमारा होगा लो। और अब मैं ऐड कर दे रही हूँ इसमें शुगर। 2 कप शुगर हमने इसमें लिया है, 1 कप हमने आटा लिया था तो शुगर मैंने लिया है 2 कप। तो ये मैंने इसमें ऐड कर दिया और इसे जल्दी जल्दी बस हाथ चलाना है और ये आपका आटे का हलवा ऑलमोस्ट डन है। तो बस अब ये नीचे बॉटम से बिल्कुल आटे को छोड़ने लग गया है हलवे को, तो दैट मीन्स कि आपका हलवा बिल्कुल रेडी हो चुका है। और ये और अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी रोस्टेड ड्राई फ्रूट्स। तो फ्रेंड, देखा आपने कितनी आसानी से ये आटे का हलवा तैयार हो गया है और बहुत ही जल्दी और क्विक तैयार होने वाली रेसिपी है। तो फ्रेंड्स, इसे ज़रूर ट्राई।